आदिवासियों का गढ़ है और इस गढ़ के मूल निवासी आधार स्तंभ यहाँ के आदिवासी ही हैं। निश्चल निस्वार्थ आदिवासी प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ जीने मरने वाले छत्तीसगढ़ के रक्षक आदिवासी इन आदिवासियों में सबसे सबने सब कुछ लिया है, लेकिन लेने वालों ने दिया बहुत कम ही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आदिवासियों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार है और छत्तीसगढ़ सरकार की भूपेश सरकार, जिन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहले उन्हें उनके हिस्से की जमीन लौटाई है, तो विश्व आदिवासी दिवस सार्वजनिक अवकाश भी दे दी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद आदिवासियों के जीवन में भी परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता संभालने के बाद आदिवासियों को उनके अधिकार उन्हें देने में जुट गए हैं। उन्होंने सबसे पहले बस्तर में आदिवासियों को जमीन लौटाने का काम किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ हर मोर्चे पर खड़ी हो गई है। बीते 7 महीनों में भूपेश सरकार की ओर से आदिवासियों के हित में लिए गए फैसलों पर एक नजर डालते हैं। लोहंडीगुड़ा बस्तर में उद्योग स्थापित न होने पर 1,700 आदिवासियों की 4,200 एकड़ जमीन वापस की गई। गलत आरोपों में जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। आदिवासी अंचलों में कुपोषण एवं एनीमिया से पीड़ित 100% महिलाएं एवं बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन कराने का व्यवस्था की गई। आदिवासी अंचलों में सभी हाट बाजारों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई। बस्तर तथा सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरणों में अब स्थानीय विधायकों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। तेंदुपत्ता मजदूरी 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की गई। स्थानीय युवाओं को सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता देने के लिए आदिवासी अंचलों बस्तर एवं सरगुजा में कनिष्ठ कर्मचारी बोर्ड के गठन की घोषणा की गई। जिला खनिज न्यास DMS के पैसे का उपयोग अब आदिवासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार आदिवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा कर चुकी है। हमने सरकार की बागडोर संभालते ही कहा था कि सबसे पहले आदिवासियों का विश्वास जीतेंगे। हम आदिवासी अंचलों में ऐसे काम तेजी से करेंगे जिनसे उनकी जिंदगी सरल हो और वे सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों में भागीदारी निभाते हुए राज्य और राष्ट्र के मुख्यधारा में अपने को सम्मान के साथ जोड़ सकें। मुझे खुशी है कि हम कम समय में ही एक ठोस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमने आदिवासी समाज के सपनों और आशाओं को पूरे करने का महाअभियान शुरू कर दिया है। और आदिवासी समाज की बहुत पहले से मांग थी कि ये विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस पर छुट्टी अवकाश देना बहुत खुशी की बात है। पूरा आदिवासी समाज पूरी सरकार को और मुख्यमंत्री समेत पूरे उनके मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो पूरे प्रदेश के अंदर में अवकाश दिया गया है, उसके लिए मैं और हमारी पूरी जनता और आदिवासी समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सभी आदिवासी समाज की भावनाओं को समझा और पूरे प्रदेश के हित में अवकाश दिया। वास्तव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिर्फ 7 महीने में कई बड़े फैसले आदिवासी हित में लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ है। अब आदिवासी की न सिर्फ सुरक्षा बल्कि उनके मान और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बुलेटिन में बताएं कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।